सब्सक्राइब कीजिए कारोपीडिया चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले जानने के लिए। स्वागत है आपका कारोपीडिया की एक और वीडियो में। इस वीडियो में अपन बात करेंगे स्कोडा रैपिड के हिडन फीचर्स के बारे में। एक वीडियो इस पे पहले ही बन चुकी है, उसका लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा, जो आप बाद में जाके चेकआउट करना। जैसा टाइम टू टाइम इसके और भी इंटरेस्टिंग फीचर्स पता लगते जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो मैं आपको फीचर्स बताने जा रहा हूँ, ये आपको करंट जनरेशन रैपिड में भी मिलेंगे, वेंटो में भी मिलेंगे और साथ ही साथ पोलो में भी मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट फीचर के साथ। इसका पहला फीचर है डोर्स लॉक व्हेन गेट इज ओपन। अपन जनरली क्या होता है, अपन वेट करते हैं कब पैसेंजर सारे डोर क्लोज करे और फिर जाके ड्राइवर लॉक का बटन दबाएगा, उसके बाद गेट क्लोज होंगे। लेकिन इसमें एक हिडन फीचर है जो कि बता रहे हैं। इसमें क्या होगा, जैसे सारे पैसेंजर्स एग्जिट कर दिए, अब ड्राइवर वेट करता है कब सारे पैसेंजर अपना गेट क्लोज करे और उसके बाद लॉक का बटन दबाए। लेकिन इसमें एक हिडन फीचर है, अगर इसका गेट खुला रहेगा और फिर भी अगर अपन लॉक का बटन दबाएंगे तब भी इसका गेट क्लोज हो जाएगा, ड्राइवर को वेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी फीचर का एक एक्सेप्शन भी है, मैन लॉक किया, ये ड्राइवर गेट पर काम नहीं करता, ये खुला ही रहता है। नेक्स्ट फीचर है इसका, ये गाड़ी आइडियल में 2500 आरपीएम के ऊपर से रेव नहीं करेगी फ्रीली, जिससे कि आपका डीजल वेस्ट नहीं होगा, फालतू की एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। ये मैं आपको शो करता हूँ, अभी गाड़ी देखो न्यूट्रल पे आइडियल है। अब देखना, ये मैंने पूरा एक्सेलेटर दबा दिया, अब इसका आरपीएम जो है ये एग्जैक्ट 2500 पर हो गया ना। बाकी गाड़ियों में क्या होता है, ये पूरा एंड तक चला जाता है, उससे आपका काफी फ्यूल वेस्ट होगा और पावर वेस्ट होगी गाड़ी की। नेक्स्ट फीचर है इस गाड़ी के अंदर, आपको जैकिंग पॉइंट्स मिलते हैं, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। अगर आप अपने जैक को एक्जैक्टली इस पॉइंट के नीचे लगाएंगे तो आपकी गाड़ी के स्लिप होने के चांसेस बहुत कम होंगे। जनरली गाड़ियों में क्या होता है, आपको पॉइंट देखना पड़ता है कि इस पॉइंट पे सेफ रहेगा, लेकिन इसमें चारों पॉइंट्स पे आपको ही जैकिंग पॉइंट मिल जाएंगे। इस गाड़ी के वन टच अप पावर विंडोज, ये फंक्शन हालांकि ये स्कोडा ही बताती है, एक तरह का हिडन फीचर नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज एक्सपीरियंस के साथ पता लगी है, अगर आपकी बैटरी में ज्यादा जूस नहीं है या पुअर कंडीशन में है तो इसका ये वन टच अप डाउन काम नहीं करेगा। अभी मैं आपको ये फीचर डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकता क्योंकि ये थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन ये फीचर मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है इसलिए मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट फीचर है इस गाड़ी के सर्विस मोड वाइपर्स। आपको वाइपर्स सर्विस मोड में लाने के लिए क्या करना है, एक बार आपने चाबी घुमाई सिर्फ इग्निशन तक और फिर से पूरी निकाल ली और सिर्फ आपको एक बार लीवर डाउन करना है जस्ट अ सिंगल टाइम, और देखिए वाइपर्स अपने आप इस पोजीशन में होल्ड हो गए। अब आप इजीली इन वाइपर्स को ऊपर करके विंडशील्ड साफ कर सकते हैं। पहले इस फीचर के बारे में मेरे को मालूम नहीं था, उसके कारण ये देखिए यहाँ पे मैं पेंट भी उतर गया है क्योंकि ये पहले इससे टच होता था। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रखा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट फीचर है इसका, अपन इसके एसी की टेम्परेचर की यूनिट्स भी चेंज कर सकते हैं। अभी इसमें 29 डिग्री सेल्सियस हो रखा है, अपन ऑटो और एसी का बटन साथ में होल्ड कर रखेंगे 3 सेकंड के लिए तो इसकी यूनिट्स चेंज हो जाएगी। ये देखिए अब ये 84 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। अपन बोल दो। नेक्स्ट फीचर है इस गाड़ी का डीजल का गैस बटन। इसमें अपन को जनरली गाड़ी में क्या होता है, अपन पूरा ब्रिम तक डीजल भर देते हैं और फिर उसके बाद जगह नहीं बनती, लेकिन इसमें एक हिडन फीचर दे रखा है। ये देखिए यहाँ पे एक गैस का बटन है, इसको आप इससे प्रेस करेंगे तो फिर ये डीजल में अंदर टंकी में जगह बना देगा, जो कि अब हम शो करने वाले हैं।
कर दो अभी आप जीरो देख सकते हैं। डीजल पूरा ब्रिम तक भर चुका है। अब ये बटन प्रेस करेंगे इससे, अब वो प्रेस कर दो, नोजल से कर दो, प्रेस कर दो, वो आगे निकल के पीछे जाएगा, पीछे जाएगा वो यू से ही उसको प्रेस करो। हाँ आप कर दो ऐसे आगे कर दो। हाँ खींच गया अभी वो लगातार, उसको दबा के भरते रहो आप, उसको दबा के भरो, आप नोजल से प्रेस करेंगे ये। हाँ, देखिए पूरा वो डीजल अंदर आ गया। तो इसमें एक ये हिडन फीचर दे रखा है। अभी देखिए सर गाड़ी में आपकी अच्छी खासी रेंज बन सकती है इस डीजल के कारण। अभी नोजल प्रेस करेंगे फिर से, नोजल से उस बटन को प्रेस करेंगे, पूरा डीजल अंदर चला गया पूरा। अरे आप एक आवाज भी सुन सकते हैं, गैस निकलने की आवाज आती है। अब इसका ऑटो कट अराउंड 1.5 लीटर पे हो गया था, उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें 6 लीटर डीजल तक आ चुका है। हम धन्यवाद करना चाहेंगे ग्रीन सर्विस स्टेशन का, जिन्होंने हमें परमिशन दी इस वीडियो को शूट करने के लिए और आपके तक पहुंचाने के लिए। और इसमें जो ये फीचर्स है, हिडन फीचर्स, ये सब आपको ह्यूंडई वर्ना में नहीं मिल सकते। ह्यूंडई भले कितने कॉस्मेटिक्स दे देगा, उसकी 126 bhp मिलेगी, इसमें आपको 105 bhp मिलेगी, लेकिन ऐसे जो फीचर्स है खास, ये आपको सिर्फ स्कोडा और वॉक्सवैगन ही दे पाते हैं। ये काफी फीचर्स प्रैक्टिकल पड़ते हैं और इन गाड़ी की स्टेबिलिटी, ब्रेकिंग इज फार मोर सुपीरियर देन वर्ना। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक पूरा देख लिया तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी कुछ खास फीचर्स का पता लगे। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे कनेक्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। ये आपको पोलो में भी अवेलेबल है और साथ ही साथ और पोलो में भी मिल जाएंगे। हाँ। क्या समझा पेपर, बता दो क्या समझे आप, बता दो यार। Kids screaming in the cradles.